ECAT के हवाले से हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर जो टॉपिक्स हैं वो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम लाइन, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर रीजन, एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस। इनसे मुतालिक देखेंगे कि हमारे पास ECAT के अंदर किस तरह के MCQs जो है वो हमें आ सकते हैं और हम उनको किस तरह से डील करेंगे। जैसे यदि इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट -2, 1 एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 4x + 3y - 1 = 0 एंड 2x - 6y + 5 = 0 is x - 13y + 19, 8x + 51y - 35 is = 0 और c है 23x - 43y + 27 = 0 और 18x + 29y - 21 = 0। अब इस सवाल के अंदर अगर आप देखें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है कि हमारे पास ये जो पॉइंट गिवन है, समझें कि ये हमारे पास क्लू है, यानी हमारे पास एक इशारा है जिसमें हम रिवर्स इंजीनियरिंग से सवाल को हल कर सकते हैं। वरना अगर आप इसको प्रॉपर मेथड से सॉल्व करें तो वो मेथड क्या है कि ये एक पॉइंट है, जैसे मेरे पास वाई एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब -2, 1 ये देखें, ये -1 और -2 और ये 1, ये पॉइंट है, ठीक है। अब इस पॉइंट को और एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस 4x + 3y - 1 = 0 एंड 2x - 6y + 5 = 0, इसके हमने यानी इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को लेके जो पॉइंट यहां से आएगा, फर्ज करें पॉइंट क्यू आता है, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट पी है। अब वो दो लाइंस मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूं, मतलब इन इक्वेशन के लिहाज से नहीं, मैं बस समझे कि मैं बिल्कुल रफली ड्रॉ कर रहा हूं, या यूं समझ लें, ठीक है। एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे है, मैं एक सम ये लाइंस जो है वो इन इक्वेशंस की रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात है। यानी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि फर्ज करें वो पॉइंट अगर ये आता है तो हमने इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। अब देखिए इस पॉइंट का तो हमें पता नहीं है, इस पॉइंट का तो हमें पता नहीं है। अगर आप इन दो लाइन से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मालूम करना चाह रहे हैं तो वो एक लेंथी प्रोसेस है, हम उस प्रोसेस में नहीं पढ़ेंगे, हम जो है वो रिवर्स इंजीनियरिंग चेक करते हैं। देखें चूंकि ये पॉइंट जो होगा वो इस गिवन इक्वेशन पे लाई करेगा, ये पॉइंट जो कि -2, 1 है, जो हमारे पास नोन है, तो बजाय ये कि हम उस पॉइंट को फाइंड आउट करें, हम इसी पॉइंट को इन इक्वेशंस में इंसर्ट करा के देखते हैं जो इसके ऊपर पूरा उतरेगी, यानी जो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर या जो जीरो दे देगी वो हमारे पास सोल्यूशन होगा। अब देखिए दिस इज कॉल्ड रिवर्स इंजीनियरिंग। जैसे ये हमारे पास क्या है, एब्सिसा, ये क्या है ऑर्डिनेट। अब एब्सिसा क्या है, -2, तो यहां पर अगर आप -2 रखें, माइनस ऑर्डिनेट है 1 - 13 × 1 और +19, तो 19 - 15 इज नेवर इक्वल टू 0, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट पे आ जाए 8 × -2 +51 × 1 और -35। अब 8 × -16 +51 - 35, अब -16 - 35 - 51 +51 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है ये एक पॉसिबल सोल्यूशन है, दिस इज द वन ऑफ द पॉसिबल सोल्यूशन। अब चूंकि सम टाइम ऐसे हो सकता है कि एक ऑर्डर पर किसी एक इक्वेशन को फॉलो कर ले, यानी उसको जो है वो इक्वल टू 0 ले आए और दूसरा पॉइंट लेके ना आए, तो लिहाजा हम बाकी भी चेक कर लेते हैं। 23 × -2 - 46 और -43 ये किसी सूरत में नहीं हो सकता। 18x और 18 × -2 - 36 और -36 + 29 - 21 ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब है बी इज द राइट आंसर, बी जो है तो हमारे पास ऐसा जवाब है जो कि इन दोनों यानी इस पॉइंट का और इन दोनों पॉइंट के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से मिलाने से जो नई लाइन बनती है उस लाइन की इक्वेशन होगी। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द आंसर। अगला एमसीक्यू है हमारे पास, ये डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -3, 13 फ्रॉम द लाइन 2x + y + 13 = 0 इज, चार ऑप्शन है। यानी सवाल कुछ यूं है कि अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं, ग्राफ बना दूं इसका, दिस इज माय एक्स एक्सिस, दिस इज माय वाई एक्सिस, ठीक है, और अगर मैं इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लूं, वाई इज इक्वल टू mx फॉर्म में लिखूं तो बन जाएगा वाई इज इक्वल टू -2x और -13, इंटरसेप्ट -13 है, उतनी तो हमारे पास स्पेस ही नहीं होगी। फर्स्ट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, दिस इज -13, एक्स में 1 यूनिट चेंज लेके और वाई में -2 यूनिट चेंज आती है, तो कुछ इस तरह की लाइन बनती हुई नजर आ रही है, ठीक है। मैं जस्ट एक रफ स्केच ड्रॉ करूँ
और पॉइंट क्या है -73, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये -7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 जो भी बनता है, आई मीन ये 13 बनता है कहीं यहाँ पे बनता है, लेट सपोज, ठीक है, या चले आई डोंट नो इसके यहाँ पे बनता है, ये मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। अब इस पॉइंट से लेके इस लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हमने फाइंड आउट करना है, ये डिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है, ठीक है। चलें जी, उसका तरीका क्या क्या है, अब देखें, एक तो सिंपल हमारे पास फार्मूला है, तो हम उस प्रेफरेबली उस फार्मूला से ही सॉल्व करने को प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि फार्मूला इटसेल्फ इज अ शॉर्टकट। वो क्या है कि गिवन लाइन को, यानी डिस्टेंस जो होगा इन दोनों के दरमियान, जो गिवन लाइन है, जो कि है 2x + y + 13, एब्सिसा की जगह एब्सिसा की वैल्यू डालो, ऑर्डिनेट की जगह ऑर्डिनेट की वैल्यू डालो, और उसके बाद यानी ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एब्सोल्यूट ऑफ ए एक्स वन, यानी एब्सिसा प्लस बी वाई वन ऑर्डिनेट प्लस सी, इनका एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ वाई का, यानी कोफिशियंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई का स्क्वेयर, ये बेसिकली हमारे पास फार्मूला है। अब इसके अंदर अगर हम वैल्यू पुट कर लें तो आप देख सकते हैं ये बन जाएगा, बल्कि इसको लिखा रहने दें, हम ऐसे करते हैं कि नीचे कहीं वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे ये बन जाएगा, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ये बन जाएगा, यानी इसके नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट स्टेप है, तो ये बन जाएगा 2 2 * एक्स की जगह क्या रखूंगा -7 प्लस बी कितना है, बी इज हमारे पास बी वन है, जस्ट वाई है, ठीक है, तो वाई की जगह वैल्यू पुट कर दें 13 प्लस 13 और उसके बाद प्लस अगेन 13, यानी सी इटसेल्फ इज 13, इसका एब्सोल्यूट और डिवाइडेड बाय कोफिशियंट ऑफ दिस जो कि 2 का स्क्वायर 4 और प्लस कोफिशियंट ऑफ वाई जो कि 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो आप देख सकते हैं -14 प्लस 26, तो 26 में से 14 निकालें तो ये बनता है 12, तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव होता है 12 और 4 + 1 = 5, तो इसका स्क्वायर रूट 12 और 5 का स्क्वायर रूट, विच इज ऑप्शन डी। तो आप अगर इसको एक्सप्लेन, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो इट टुक मी टाइम, अगर आप इसको एक्सप्लेन ना करें तो आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अब देखें, ये तो था एक पॉइंट का, यानी यहां पे अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो आप ये बात अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि ये जो मैंने अभी चीज बनाई है, बेसिकली ये एक पॉइंट का, यानी अगर ये मेरे पास एक्स एक्सिस, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस इज द पॉइंट एंड दिस इज समवेयर लाइन की तरह, ठीक है, इस लाइन से इस पॉइंट तक का जो परपेंडिकुलर, या पॉइंट से लाइन तक का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैंने ये फाइंड आउट किया, ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है। अब फर्स्ट करें पॉइंट नहीं है, बल्कि वो भी एक लाइन है जो कि पैरेलल टू, जो हमारे पास ग्रीन लाइन है उसके पैरेलल, ये सॉरी येलो लाइन है उसके पैरेलल है, ठीक है, दो लाइंस हैं जो आपस में पैरेलल हैं, दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग, जिस तरफ भी इनको एक्सटेंड कर लो ये आपस में मिलेंगे नहीं। अगर दो लाइंस की इक्वेशन गिवन हो तो उस दो, उन दो लाइंस में से अगर हमें फाइंड आउट करना हो कि व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, यानी उनके दरमियान किसी भी पॉइंट से या दोनों लाइन के दरमियान जो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस है वो क्या है, वो फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है, बल्कि सबसे पहले हम एमसीक्यू यहां पे लिखते हैं। चलें जी, ये हमारे पास एमसीक्यू आ चुका है, जो है द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस 4x + 3y - 2 = 0 एंड 4x + 3y + 8 = 0 इज 4 ऑप्शंस। अब इसको फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो कुछ यूं है कि डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज इक्वल टू c - c', ठीक है, अगर यानी c के लिए मेक श्योर करें कि आपके पास जो दोनों लाइंस हैं वो जनरल फॉर्म में लिखी गई हैं, ठीक है, यानी ax + by + c। अब इसमें c जो है वो -2 है और इसमें c जो है वो क्या है +8 है, ये सबसे पहली बात हुई होगी, तो c - c' ओवर a² + b², a² यानी स्क्वेयर रूट ऑफ a² + b². अब चूंकि इसमें a² + b² नहीं है, ये तो हमें मालूम हो गया जी कि इफ दिस इज सी, अगर ये सी है तो ये सी प्राइम है, लेकिन व्हाट अबाउट a² + b², ये किसका लिया जाएगा, तो ये बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो उनकी स्लोप सेम होगी, अगर स्लोप सेम है तो इसका मतलब है कोफिशियंट ऑफ एक्स और कोफिशियंट ऑफ वाई जो है वो दोनों लाइंस का सेम होगा, अगर इसका कोफिशियंट ऑफ एक्स जो है 4 है और कोफिशियंट ऑफ वाई 3 है
तो चूंकि ये वाली लाइन इसके पैरेलल है तो लिहाजा इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स 4 है और कोफिशिएंट ऑफ वाई इसका भी 3 है। तो अब इसके लिहाज से अगर हम फाइंड आउट करें तो वो बन जाएगा मेरे पास, देखें एब्सोल्यूट ले रहे हैं चाहे आप कर ले -2 -8 या 8 -2 कर ले, वो 10 ही होगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं ये हमारे पास बन जाएगा, यहाँ पे मैं लिख दूँ इज इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ, सबसे पहले देख लें -2 -2 -8। ठीक है, यानी सी प्राइम या माइनस सी या सी, बल्कि इस तरह कर लें जैसे मैंने उसको लिख लिया हुआ है, आप यूँ लिख लें 8 माइनस -2 और इसका एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ इसका एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वेयर जो कि 4 है 16 होता है, और वाई के कोफिशिएंट का स्क्वेयर जो कि 3 है इसका स्क्वेयर 9 होता है। तो आप देख सकते हैं ए माइनस इन माइनस प्लस, तो 10/25 का स्क्वेयर रूट। अब स्क्वेयर रूट में आप पॉजिटिव अगर वैल्यू लें तो वो आ जाएगी 5, तो ये आ जाएगी 10/5, 5 वन टाइम 5 एंड 5 टू टाइम 10, इसका मतलब है द डिस्टेंस इज 2। डिस्टेंस क्या होगा, 2, 2 इज द राइट आंसर विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये बहुत सिंपलेस्ट वे है, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट टेस्ट वे, स्मार्ट टेस्ट वे। ठीक है, बट क्वेश्चन इज, बट अगर आपको ये फॉर्मूला भूल जाए और आपको जस्ट फॉर्मूला याद है विच इज यू नो अब जो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एंड लाइन यूज किया जाता है, अगर आपको ये भूल भी जाए तो नॉट अ प्रॉब्लम, कोई बड़ी डील नहीं है, इट्स नॉट अ बिग डील। आप क्या करें, किसी एक पॉइंट का कोई एक पॉइंट, किसी लाइन में से कोई एक पॉइंट फाइंड आउट कर लें। फॉर एग्जाम्पल, आप पुट करें वन एक्स इज इक्वल टू 1, वट इज द वैल्यू ऑफ वाई, तो आपके पास इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट आ जाएगा, तो उस पॉइंट और इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। इट्स द सेम थिंग, ठीक है, इट्स द सेम थिंग, पॉइंट एंड लाइन। तो जिसका फॉर्मूला क्या है कि इस लाइन के अंदर इसका एब्सिसियन ऑर्डिनेट पुट करें एंड डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स के स्क्वेयर, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वेयर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वेयर होल स्क्वेयर रूट, एंड यू कैन फाइंड आउट द आंसर। तो ये वे भी हो सकता है। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, चाहे दो लाइन्स हो या दो पॉइंट्स हो, हमारे लिए वो एक ही चीज है। उसके बाद हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन की तरफ। द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर रीजन फॉर्म बाय द लाइन्स 7x माइनस वाई माइनस 10 इक्वल 0, 10x प्लस वाई माइनस 41 इक्वल 0 एंड थर्ड लाइन इज देयर। चार ऑप्शन गिवन है, हमने बताना है कि ये तीन लाइन्स हैं, ऑब्वियसली लीनियर इक्वेशन है और ये तीन लाइन्स बनाती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे कुछ शो कर दूँ, दिस इज माई वाई एक्सेस, दिस इज माई एक्स एक्सेस, दिस इज माई एक्स एक्सेस, और अगर मैं इनकी ड्रॉ करूँ तो ये बन जाएगी वाई इक्वल 7x माइनस 10, के मतलब -10 इसका फर्ज करें ये है, और स्लोप इसकी 7, वाई यूनिट चेंज इन एक्स ब्रिंग्स, चलें 7 यूनिट चेंज इन वाई को समवेयर हियर, तो कुछ इस तरह की लाइन ये बनती है। मैं जस्ट एक रफ सा एस्टिमेशन बना रहा हूँ। ठीक है, एक लाइन हमारे पास ये बनती है, उसके बाद इस लाइन की तरफ आ जाओ तो ये बनती है -10x -41। अब -41 मैं कहाँ से ड्रा करूँ, तो आई मीन जस्ट फर्ज करें हम डमी लाइन ड्रा करें, एक लाइन ये हो गई, ठीक है, और एक लाइन ये होगी। अब ये मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी है, लेकिन आपको समझाना है ये तीन लाइंस है। आप ऑब्वियसली देखें तो ये एक ट्राइंगुलर रीजन बना रही है। आप ये देखें, जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द ट्राइंगुलर रीजन। अब इस ट्राइंगुलर रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है, जो कि हम जानते हैं हमारे लिए बहुत आसान है। एंड हाउ वी कैन डू दैट, हम उसको किस तरह से कर सकते हैं। अब इसको यानी इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जो हमारे पास हमें वर्टिसेस चाहिए, यानी हमें ये वर्टेक्स चाहिए, ये वर्टेक्स चाहिए और ये वर्टेक्स चाहिए। अब ये एक लेंथी क्वेश्चन है, इसका शॉर्टकट एज सच नहीं है। इसके लिए सबसे जो सिंपलेस्ट वे है वो क्या है कि हम बहुत क्विकली से इन दो लाइन्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, फिर इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करें, फिर इस लाइन का या सॉरी इस लाइन का और इस लाइन का फाइंड आउट करें। आई मीन टू से लाइक ये वर्टेक्स आ जाए, बी आ जाए और सी आ जाए। अब ए अगर एक्स वन वाई वन है, बी अगर एक्स टू वाई टू है, और सी अगर एक्स थ्री वाई थ्री है, तो इसका जो एरिया फाइंड आउट किया जाता है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। एरिया इज इक्वल टू, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ, और जो है हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ, किसका डिटर्मिनेंट, एक्स वन वाई वन और 1, एक्स टू वाई टू और 1, एक्स थ्री
वाई थ्री और वन, तो ये आपके पास एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन आ जाएगा। यानी आप सबसे पहले इन दोनों के पॉइंट, इन तीनों लाइंस के आपस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे, फिर उन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप इस फॉर्म में डिटरमिनेंट में लिखेंगे, यानी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री यानी कॉलम में, वाई वन वाई टू वाई थ्री यानी फर्स्ट पॉइंट का आप सीसा फर्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट इन वन, सेकंड पॉइंट का सीसा सेकंड पॉइंट कोऑर्डिनेट इन वन, थर्ड पॉइंट का सीसा थर्ड पॉइंट कोऑर्डिनेट इन वन, एंड दिस होल डिटर्मिनेंट इसका लेके एंड डिवाइडेड बाई टू करेंगे, तो एरिया ऑफ द रीजन ट्राइंगुलर रीजन बाउंडेड बाय या फाउंड बाय दीज थ्री लाइन्स आ जाएगा। जो हमने कैलकुलेट किया सारा तो हमारे पास 34 स्क्वायर रूट आंसर आया, अभी आप खुद से करके देख सकते हैं। इसी तरह से अभी हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू है जी, द मेजर ऑफ द एंगल फ्रॉम द फर्स्ट लाइन टू द सेकंड लाइन हुज स्लोप्स आर 0 एंड 3 इज, चार ऑप्शंस है, ठीक है। अब देखें ये जो कॉन्सेप्ट है एंगल बिटवीन टू स्ट्रेट लाइंस का, ये कॉन्सेप्ट यूं है, फॉर एग्जांपल अगर एक लाइन ये है, दिस इज लाइन 1, ठीक है, एंड दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 2। अब अगर मुझे लाइन 1 टू लाइन 2 यानी एंटी क्लॉक, अगर लाइन 1 टू लाइन 2 एंगल फाइंड आउट करना है, अब फर्ज करें लाइन L1 की जो स्लोप है वो M1 है और लाइन L2 की जो स्लोप है वो M2 है, तो इस केस में जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो क्या होता है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1 और 1 प्लस M1 M2। मीन के अगर आप थीटा फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, थीटा इज इक्वल आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स ऑफ ये सब कुछ M2 माइनस M1 और 1 प्लस वन प्लस एम वन एम टू, ठीक है। तो लिहाजा हम यहाँ पे यही तरीका अपनाएंगे कि अगर मैं देखूँ स्लोप एल वन की जो है वो जीरो है जबकि स्लोप एल टू की जो है वो थ्री है, तो ये आ जाएगा थ्री माइनस वन, यानी यहाँ पे अगर आप डालें, ठीक है, तो यहाँ पे देखें इसकी जगह मैं लिख दूंगा थ्री माइनस वन नहीं थ्री माइनस जीरो और वन प्लस थ्री इंटू जीरो इज जीरो, तो थ्री माइनस वन थ्री ओवर वन प्लस जीरो वन, तो थ्री ओवर वन इज थ्री, तो थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा थ्री, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए नहीं है, बी, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, चूंकि इसमें थीटा जो है वो किसके इक्वल है, टेंजेंट इनवर्स ऑफ थ्री, तो यहां पे भी थीटा इज इक्वल टेंजेंट इनवर्स ऑफ थ्री ही आ रहा है। अब यहां पे जो मुख्तलिफ सिचुएशन हो सकती हैं वो क्या हो सकती हैं कि आपको जैसे प्रीवियस एमसीक्यू के अंदर तो हमारे पास जो है स्लोप्स गिवन थी, स्लोप्स गिवन थी। अब लेट सपोज अगर हमें इक्वेशन दी जाए जी 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लेट्स से ये एक इक्वेशन है। अब वो कहता है जी फाइंड दिस इज लाइन L1, दिस इज लाइन L2। अब वो कहता है लाइन L1 टू L2, यानी अगर मैं रफली ड्रॉ कर दूं, अगर फॉर एग्जाम्पल ये L1 है और ये L2 है और एंगल मुझे वैसे ही फाइंड आउट करना है, आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंगल ये L1 और ये L2, ठीक है, तो आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग दिस एंगल, ये एंगल। अब अगर मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है तो डेफिनेटली डेफिनेटली मुझे जो फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा वो वही है जो हमने पहले अप्लाई किया, टेंजेंट थीटा इज इक्वल एम टू माइनस एम वन डिवाइडेड बाई वन प्लस एम वन एम टू, लेकिन वेयर आर द स्लोप, स्लोप्स तो है ही नहीं, तो ऐसी इक्वेशन को हम सबसे पहले y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में ले जाते हैं, ठीक है, और उस पे जो m होगी दैट विल बी द स्लोप ऑफ दिस लाइन। इसी फॉर्म में जब ये इक्वेशन जाएगी तो जो इसमें m होगा दैट विल बी द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, तो स्लोप पहले आप फाइंड आउट करेंगे फ्रॉम द गिवन लाइंस, उनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड एंगल थीटा बिटवीन द टू लाइंस, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है, ठीक है। फिर अगर हमें ये बता दिया जाए, अब याद रहे कि दीज टू लाइन्स आर द वन जो कि ना आपस में परपेंडिकुलर है और ना आपस में पैरेलल है, तो ये बेसिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं जिनकी हम यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करते हैं, सॉरी एंगल बिटवीन देम फाइंड आउट करते हैं। अब ये भी सिचुएशन हो सकती है कि सम टाइम हमसे ये पूछा जाए कि एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइन्स फाइंड आउट करें, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, बिटवीन टू लाइंस, तो अगर हमने एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस फाइंड आउट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम हमारा काफी ज्यादा हो रहा है, टेंजेंट थीटा वो भी ऐसे ही होगा लेकिन उसमें आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ ए वन बी टू माइनस, थोड़ा सा मैं राइट साइड पे कर दूंगा, ए वन बी टू माइनस
बी टू ए वन, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मैं इसको ना और राइट साइड पे करके लिखता हूँ और रेड कलर में लिख देता हूँ, जगह टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन डिवाइड बाय ए वन ए टू प्लस बी वन बी टू का एब्सोल्यूट। जो भी आंसर आएगा उसका इन्वर्स लिया जाएगा, वो आ जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ दिस थिंग और दैट विल बी एक्यूट एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब एक्यूट एंगल आप जानते हैं, एक्यूट एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो लेस देन 90 डिग्रीज होता है, जो लेस देन 90 डिग्रीज होगा हम उसको कहते हैं एक्यूट एंगल, और वो हम यहां पे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब उसकी रीजन, अब वो एंगल बेसिकली होगा किस तरह से मैं आपको ये भी बता दूं, जैसे मैंने ये इनको कवर किया तो ये सम ऑफ ऑल द एंगल्स यानी कितना एंगल है 360 डिग्री, दिस इज होल 360। अब ये अगर परपेंडिकुलर लाइंस हो ना, परपेंडिकुलर लाइंस हो तो तब हम बात करेंगे ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा। अब इस केस में आई नो कि ये जो एंगल है ये ग्रेटर देन 90 है, अगर ये ग्रेटर देन 90 है तो ये भी ग्रेटर देन 90 है, इफ दे आर ग्रेटर देन 90 इसका मतलब है दिस विल बी एक्यूट एंगल, जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा, ये वर्टिकल एंगल है। तो अगर आपने एक्यूट एंगल फाइंड आउट करना हो दिस एंगल, देन यू आर गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला जिसमें दिस इज ए वन, दिस इज बी वन, दिस इज ए टू एंड दिस इज बी टू। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैं आपको बहुत सारे शॉर्टकट्स बता रहा हूं जिससे आप ई कैट के अंदर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं।